हेलो एवरीवन, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स, हमें दो नंबर निकालने हैं हुज सम इज 27, जिनका सम जो है 27 आना चाहिए, एंड प्रोडक्ट अगर हम उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 182 आना चाहिए। देखिए बेटा, ये कहना चाहता है कि जैसे सोच लो आपका एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जब इनका सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 27। क्या आपके पास ऐसे कोई दो नंबर है जिनको जोड़ के 27 आता हो? क्या आपके पास ये नंबर है 10 प्लस 17? बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन श्योरली क्या यही है? और नहीं हो सकता, और भी बहुत से नंबर हो सकते हैं। 20 प्लस 7 भी वो नंबर हो सकता है, 15 प्लस 12 भी वो नंबर हो सकता है। तो ऐसे कौन सा पेयर है जो हमें यहाँ रखना है, क्योंकि साथ में से बताया है कि प्रोडक्ट करो तो 182 भी आना चाहिए। ठीक है, और इनमें से कोई एक ऐसा पेयर होगा, जितने भी पेयर हमें बनेंगे उनमें से केवल कोई एक ऐसा पेयर होगा जो आपको चुनना है। तो फिलहाल हमें ना तो ये पता कि फर्स्ट नंबर कौन सा है, ना ये पता सेकंड नंबर कौन सा है। हाँ, एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिएगा। यदि मैं यहाँ पे सपोज करो 12 कर देता हूँ, तो ये नंबर तो फिर आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक नंबर को फिर मैं अपने पास सपोज कर देगा, दूसरा नंबर मैंने एक्स माना, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और 27 में से हम लोग 12 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 15 बचेगा। समझा बेटा? तो इस तरीके से हम लोगों पे क्वेश्चन करना होगा। फिलहाल हमारे पास ना पहला ही नंबर पता है, ना हमें दूसरा नंबर पता है, तो इसका क्या तरीका होता है वो अब आपको सीखना होगा। शुरुआत करते हैं लेट से, हम अपने पास से इसको एज्यूम करेंगे कि सपोज करो एक नंबर जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है, आपको हमेशा ऐसे करना है जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि वहां पर आपको बस केवल सम दे रखा होगा और प्रोडक्ट दिया होगा, तो ये होगा उसको करने का तरीका। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर बी एक्स, आपने एक नंबर जो है एक्स माना, सपोज करिएगा ये नंबर आपका एक्स है, तो ये नंबर निकालने के लिए आपको इस एक्स को इधर भेजना होगा, तो उधर जाके हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो आप लिखेंगे देन या देयरफॉर सेकंड नंबर, तब जो है आपका सेकंड नंबर जो होगा, बताइए वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 27। क्या ये सही है? या फिर आप देखो एक्स जो ना आपने छोटा नंबर माना होगा, क्योंकि 27 तो दो नंबरों को ऐड करने का बना है, तो जब आप इसे अगर लेके जाएंगे तो इसको लिखने का तरीका ये नहीं होता है एक्स माइनस 27, ये गलत तरीका होगा, आपको 27 माइनस एक्स लिखना होगा, क्योंकि ये टर्म उधर गया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो सम दिया होगा वो पहले आएगा, और जो नंबर आपने माना है वो आपने यहाँ माइनस करना है, क्योंकि आपको समझना होगा कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर तब जाके बना हुआ एक आपका नंबर। ठीक है बेटा, तो यानी कि ये छोटे छोटे नंबर माने गए होंगे तब जाके आपका ये नंबर होगा, मीन्स ये नंबर हमेशा ही इन दोनों नंबरों से बड़ा होगा, तो जो भी आप नंबर मानेंगे वो हमेशा उससे छोटा ही होगा, इसको आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिएगा ये कॉन्सेप्ट अभी समाप्त कर देते हैं। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम उनका प्रोडक्ट करते हैं, किनका, इनका, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, यदि आप x की मल्टीप्लाई 27 माइनस x में करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 182। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करना है और उससे हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको हम सोल्व करेंगे। यहां पर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 27x, यहां पर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये तो आता होगा आपको मल्टीप्लाई करना है 182। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखिए जब भी आप एक्स स्क्वायर लेंगे, ठीक है, वो हमेशा प्लस का होना चाहिए, ये इधर माइनस का है तो उधर जाकर कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको अच्छे तरीके से करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास 182 ऑलरेडी है इधर, आपने इसको इधर भेजा है एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ये भी इधर आ गया है माइनस का 27x। जब सारे काम इधर आ जाएंगे ना तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 0। मीन्स अगर मैं चाहूँ तो इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, पहले एक्स स्क्वायर, फिर लिखूंगा माइनस 27x, फिर लिखूंगा 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है सर, तो ये जो इक्वेशन है चीख चीख के कह रही है कि पहले एक्स स्क्वायर टर्म आना चाहिए,
फिर एक्स वाला टर्म आना चाहिए और कौन से टर्म हमेशा बाद में आना चाहिए, वो अलग बात है। कभी कभी आप लोगों को एक्स वाला टर्म नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले एक्स स्क्वायर फिर आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू आ सकता है। यदि आपके पास एक्स का टर्म है तो पहले आप 182 27 यहाँ नहीं लिखेंगे, अन्यथा आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से बोल देता हूँ, आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसके लिए आपको स्क्वायर वाला टर्म पहले, फिर एक्स वाला टर्म बाद में, और जिसमें ना एक्स स्क्वायर आ रहा होता ना एक्स आ रहा होता उसको बाद में लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है बेटा, चलिएगा। अब ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया था वो सीखा था, अन्यथा जो हमने शुरू में वीडियो बनाई थी वहां तो आपको इस तरीके से बताया भी गया था। फिर भी बता देता हूँ, इसके आपको दो भागों में इसको डिवाइड करना है, वो इस प्रकार से डिवाइड करना है कि आप मल्टीप्लाई मतलब जो ऐड करें तो ये आ जाए या सबट्रैक्ट करें आ जाए, करके दिखा देते हैं। हो सकता है कि आप ना सर पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पहले यहाँ पे 2 लिखना होगा, ये 91 बन जाएगा, फिर इसको कैसे करेंगे 7 से 13 टाइम्स और फिर 13 बन जाए 13, ऐसे फैक्टर आ गया आप लोगों को। तो इनको इस प्रकार से समझित करो कि 2 बन जाए, मतलब मल्टीप्लाई करके 2 नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है 14 × 13 इज इक्वल टू क्या आएगा 182। अब ये देखना है कि आप 14 को और 13 को ऐड करके 27 आएगा या नहीं, तो आप कहेंगे यस सर आएगा, तो ये वाला पेयर हमारा चल जाएगा। इसी को अगर मैं चाहता हूँ तो ऐसे लिख सकता था कि 91 × 2 है ना बेटा, तब भी 182 आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ के या घटा के 27 नहीं आएगा। तो ऐसे पेयर नहीं बनाएंगे, पेयर ऐसा बनाएं जिससे कि जोड़ या घटा के आपके ये भी आपका जो है रिजल्ट मिल जाए। ठीक है बेटा, चलिए इसको अगर हम चाहते तो ऐसे लिख सकते थे 26 × 7 भी 182 ही होता है, लेकिन 27 में से अगर मतलब 26 में से अगर 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये नहीं बचेगा, और दोनों का ऐड कर देंगे तब भी आंसर नहीं आएगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप 13 अलग रखें, 14 अलग करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छी तरीके से आपको करना आना चाहिए। चलिए क्या करना था बताइए, हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना होगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा 14 + 13, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर 182 = 0, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये लिखा जाएगा 14x - 13x, माइनस क्यों है दोनों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है और जब अंदर जाएगा तो वो दोनों साइन कैसे हो जाएंगे आपके, माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर रहेगा 182 = 0। ठीक है बेटा, हमारे पास 3 टर्म थे, उनको 4 बनाने के लिए हमने इस तरीके से उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। इससे क्या होता है कि पहले 2 अलग, लास्ट के 2 अलग, पहले 2 में से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा, x माइनस 14 बचेगा, लास्ट के 2 में से माइनस 13 कॉमन होगा, कॉमन लेना आपको आता होगा, यदि नहीं आता है तो इसकी जो हमने शुरुआत में वीडियो बनाई थी, बेसिक वीडियो जो थी ना, उसको आप जरूर देख लेना। यहाँ से आप बचेगा आपके पास x माइनस क्या बचेगा 14 = 0। आप देखेंगे कि ये प्लस था, यहाँ पर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस है जब हम कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं, तो ये माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया। वैसे भी ये वाला जो आपका बॉक्स है इस बॉक्स का मैच करना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे बेटा, एक्स माइनस 4 बाहर ले लेंगे कॉमन जिसे बोल देते हैं आप, और एक्स माइनस 3 यहाँ पर आपका बच जाएगा जो कि बराबर होगा 0। ये तो आए इसके फैक्टर्स, अब हमें रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस 4 = 0, x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी बेटा 14। ठीक है, और इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 13। ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे कि आंसर हमेशा एक प्लस का और एक माइनस का आता है, माइनस वाला साइन को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि नेगेटिवल होता है, और प्लस का साइन हम लोग ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी किया दोनों प्लस के आ जाए तो उसको कैसे करते हैं, देखिए अब यहीं से हम लोगों को करना होता है, इसको आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा अब तक। चलिए फिर आपको जहां आपने लेट किया होता है वहीं पे आपको करना होता है हैंस, क्या करना होता है बेटा हैंस करना होता है। हैंस करने आपने फर्स्ट नंबर देखिए कितना आएगा, फिर आपको लिखना है कि फर्स्ट नंबर जो आपका है बेटा वो कितना होगा, देखिए या तो वो 14 माना जाएगा या क्या माना जाएगा 13, दोनों में से या तो आप 14 लिख लीजिएगा या फिर क्या लिख लीजिएगा 13, दोनों में से या फिर ऐसे तरीके से आप दोनों को लिख सकते हैं, एंड लिख के या देन लिख के, देन या एंड सेकंड नंबर, और जो आपका सेकंड नंबर होगा
वो देखिए हमारा था क्या, हम लोगों ने शुरू में लैट फर्स्ट नंबर भी एक्स, एक्स की वैल्यू आपने 40 निकाल ली थी या 30 वो रख देना है, और सेकंड नंबर जो था वो था 27 माइनस एक्स, मीन्स जो भी वैल्यू आप एक्स की मानेंगे उसे यहाँ पे पुट करेंगे, 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड नंबर आपका निकल जाएगा। तो 27 में से अगर 14 जाएंगे तो 13 बचेगा, यदि आपने 13 माना होगा तो क्या बचेगा 14। और आप देखिएगा सवाल ने कहा था कि उनका अगर सम करेंगे फाइंड द टू नंबर्स हूज सम इज 27, आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा, इन दोनों को अगर हम 14 में 13 ऐड करते हैं तब भी 27 आता है, या फिर आपने माना होगा एक को 13 एक को 14 तब भी 27 ही आएगा, और प्रोडक्ट करके देखिएगा 182 ही आएगा। प्रोडक्ट करके देख लें 14 × 13 इज इक्वल टू होता है 182। समझा बेटा, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 ना करके पहले आपको इसी टाइप के दो तीन क्वेश्चन और समझा देता हूँ। सपोज करिए हम डाल देते हैं इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, कि एक हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, हमने बोला कि हमने दो नंबर लिए, पहले मैं बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि उनका सम जो है 12 है कितना बेटा, और उनका प्रोडक्ट आ रहा है 32, कितना आ रहा है बेटा प्रोडक्ट 32, इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 12 एंड प्रोडक्ट इज 32। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये देखिएगा, प्रोसीजर जो तरीका है वो इन दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइंड टू नंबर्स दिया हुआ है, इसमें आपको सम मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को सम मिल जाएगा प्रोडक्ट मिल जाएगा, मान लीजिए वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। लेट फर्स्ट नंबर बी, वो हमेशा एक्स ही मानना है, फिर से सुन लीजिएगा, एक नंबर लेना है फिर दूसरा नंबर लेना है, दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ रहा है 12। अब देखना ये है इस नंबर को क्या मानो, इस नंबर को क्या मानो, क्योंकि 12 जो है जरूरी तो नहीं है कि 10+2 करके जाता है, 9+3 करके भी आ सकता है, 8+4 करके भी आ सकता है, 6+6 करके भी आ सकता है, तो कौन सा पेयर यहाँ रखूँ मैं, ये मुझे कन्फ्यूजन होगा। हाँ एक हिंट है कि प्रोडक्ट भी 32 आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करो 32 नहीं आया, इनका भी नहीं आया, हाँ इसका आ गया है, हो सकता है आंसर हो, और इन दोनों का भी प्रोडक्ट 32 नहीं आया, तो फिलहाल तो इसमें ये लगा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही होगा, कोई और मेथड भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तरीका होता है कि एक नंबर को अपने पास से क्या मानना है, x मानना है, x मान लिया, एंड देन सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली कितना होगा, क्योंकि टोटल इस बार 12 था, 12 में से क्या हो जाएगा आपका x सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों नंबर मिल गए। अब इन दोनों की हमें क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके इस बार 182 नहीं आ रहा है, उसने बोला है प्रोडक्ट इज 32, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इस बार 32 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यहाँ पर आप लिखेंगे x ब्रैकेट में आएगा आपका 12 - x, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, फिर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा आपका 12x और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, तरीका समझ लीजिएगा। फिर आपको इसको इधर भेजना है, इसको इधर करना है, तो लिखने का तरीका रहेगा इधर पहले 0 बचेगा, क्योंकि आपने इसको भी इधर भेज दिया होगा, 32 प्लस आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 12x, ठीक है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। अब आपको इस पूरे को इधर लिख लेना, 0 को इधर, लिखने का तरीका होगा पहले आता है ax स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर आता है x का टर्म, फिर आता है कॉन्स्टेंट वैल्यू। सबसे पहले हम लोग जो है एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और ये सेम रहेगा ये, क्योंकि हम इसको पूरे को इधर लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, किसी एक को इधर उधर भेजेंगे तो साइन चेंज होते हैं, अगर हम पूरा इधर और पूरा उधर लिखेंगे तो साइन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में है ये, फिर माइनस का आएगा 12x और प्लस का होगा 32 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था, ये हो गया था आपका एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है बेटा 32 के फैक्टर होते हैं 8 × 4 = 32 है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8+4 लिखेंगे, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो 32 आ रहा है, प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग जो है x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 8x
माइनस का हो जाएगा 4x, प्लस का हो जाएगा 32, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होता है। कॉमन क्या है दोनों में से, x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 8। इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। रीजन मैंने आपको बताया था कि ये प्लस से माइनस कैसे हुआ होगा, क्योंकि जब माइनस यहाँ होता तो माइनस 100% यहाँ आएगा, कॉमन भी आएगा, तो माइनस 4 जब आप कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पे आपका जो है माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें से आपको जो है x माइनस 8 अलग कर लेना है, x माइनस 4 अलग कर लेना है, इज इक्वल टू 0। और फिर वही सेम प्रोसीजर कि x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो जाएगी 8, और बेटा ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू होगी 4। ठीक है, तरीका फिर वही आएगा। आपको जब भी लाइक वाला क्वेश्चन आप करते हैं तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि आपको लाइक के स्थान पर हैंस लिखना है। ठीक है बेटा, ये इसका कंप्लीट तरीका होगा। फिर लिखना होगा फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर फिर से देखिएगा, दोनों प्लस के आए हैं तो आप फिर से वही लिखेंगे, या तो 8 होगा या फिर क्या होगा 4, इधर 8 और 4, एंड या देन लगा के आप लिखेंगे सेकेंड नंबर। और तब सेकेंड नंबर क्या होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें एंड लिखना चाहिए, एंड सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर जो होगा या तो 4 होगा या फिर क्या होगा बेटा आपका 8 होगा। तो ये था काफी एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो कि हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे किया। ठीक है, ऐसे मैं आपको दो क्वेश्चन और बना के देता हूँ। मीन्स इसमें आप लोग देखिएगा, सम आपको दिया हुआ है, सपोज करो 24 सम दिया हुआ है। ठीक है, उन दोनों की मल्टीप्लाई होके आ रहा है 144, तो आप एक इस क्वेश्चन को भी करके देखेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नोट करिएगा, तीसरा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग करेंगे इस बार, सपोज करो हमने कर लिया 20, सिंपल क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन कर सकें, 96 इस तरीके से आप करके देखेंगे। और एक नंबर हमने इस बार कर लिया है 45, फोर्थ वाले में 45 कर लिया है, और प्रोडक्ट जो होगा उसका देखिए कितना हो जाएगा, 450। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका। तो एक ही क्वेश्चन के बेस पर आपको 3-4 एक्स्ट्रा एग्जांपल मिल गए हैं, आप उन्हें सॉल्व कर लें। और अगर अभी भी कम पड़ रहा हो तो ऐसा कर लेते हैं, 5वां भी ले लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इस बार 60। और यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर हो सकता है, वो नंबर क्या हो सकता है, 800 कर लेते हैं चलो। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्रोडक्ट इज 800, 42। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।